वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिरेकल में से आप ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ई इनवॉइस पोर्टल पर जाके किसी भी कंपनी के ई इनवॉइसिंग की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मिरेकल ने इस प्रोसेस को आपके लिए वन क्लिक में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे डायरेक्टली आप मिरेकल में से ई इनवॉइस बटन का यूज करके चेक कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि आपकी मल्टीपल कंपनी है, तो आपको ये चेक करना है कि ये कंपनीज ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पहले कंपनी सिलेक्ट करें, फिर यहाँ नीचे आपको इनवॉइस का बटन मिलेगा। ये बटन तभी वर्क करेगा जब आपने सब्सक्रिप्शन किया होगा। जैसे ही हम इनवॉइस बटन पर क्लिक करेंगे, इनवॉइस सिस्टम में से स्टेटस ऑफ इनवॉइस एनेबलमेंट ऑफ टैक्स पेयर की विंडो ओपन होगी। यहाँ GSTIN नंबर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा अगर हमने कंपनी क्रिएट करते समय एंटर किया होगा। तो GSTIN नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ दिए गए कैरेक्टर या कैप्चा को टाइप करें, देन क्लिक ऑन गो। यहाँ GSTIN डिटेल्स का पॉपअप ओपन होगा, जिसमें GSTIN नंबर, ट्रेड नेम यानी कंपनी नेम एंड टाइप की डिटेल्स होगी। लास्टली स्टेटस है, जो हमें ये जानकारी देगा कि यू आर एनेबल्ड फॉर इनवॉइसिंग फ्रॉम 1st April 2022 और फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर यू हैव क्रॉस्ड द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ फॉर योर पैन। और यहाँ ग्रीन कलर ये सूचित करता है कि आपकी कंपनी इनवॉइसिंग के लिए एनेबल है। अगर आपने GST नंबर ऐड नहीं किया होगा एंड जब आप इनवॉइसिंग बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आपको GST नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। चलिए एक और कंपनी की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे, तो GSTIN डिटेल्स का पॉपअप रेड कलर में शो होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इनवॉइसिंग के लिए एनेबल नहीं है। इतने आसान तरीके से आप इनवॉइस के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो मिरेकल में से चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।